कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ आइंद्र प्रभु। दिस इज सीरीज नंबर 6। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि हमने पिछली क्लास में देखा कि कैसे कि बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद आइंद्र प्रभु में 24 आवर्स का जो है कीर्तन उसको जो है स्टार्ट कर दिया था। और अब बहुत सारे डिवोटीज ने उनका एंथुजियाज्म देख के ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि वृंदावन इज़ नॉट अ ईजी प्लेस टू बी इन। वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं, कुछ डिवोटीज आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, तो इट इज़ बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो इतना आइंद्र प्रभु ने क्या किया, फिर बहुत सारे लोगों को बुलाया कि कीर्तन करने के लिए, लोगों को इनकरेज किया, पेड कीर्तनियास को बुलाया, लेकिन वो बात हो ही नहीं पाई। सो अब नेक्स्ट डिवोटी जो जिसने ज्वाइन किया वो था निताई दास प्रभु, जो इनसे मिले थे कुंभ मेले में नासिक में। अभी ये जब मायापुर से गए थे टूर के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, ये हरिद्वार गए थे कुंभ मेले में, तो नासिक महाराष्ट्र में उस समय कुंभ मेला लगा हुआ था और निताई दास जो थे आइंद्र प्रभु से वहाँ मिले थे। वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आए थे, अपने विलेजर्स के साथ आए थे। कृष्णा कॉन्शियसनेस को देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और फिर उन्होंने बॉम्बे टेम्पल में ज्वाइन किया और वहाँ की BBT सर्विस, जो भक्ति वेदांता बुक सर्विस है, वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया। और एक बार उन्होंने आइंद्र प्रभु की बहुत स्वीट वॉइस जो है सुनी, नहीं वो इतने अट्रैक्टेड थे कि उनका मन था कि वो आइंद्र प्रभु से मिलें। और एक मॉर्निंग जो है आइंद्र प्रभु ने एक बहुत स्वीट वॉइस सुनी मंगला आरती में, जो गुरु पूजा के समय गा रही थी, और उनको पता चला कि ये कोई और नहीं, ये निताई हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशनल सिंगिंग करियर छोड़ के डिवोटी बने हैं और ये वृंदावन आए हुए थे BBT बिजनेस के लिए। और इतना समय आइंद्र प्रभु को लगा नहीं उनको कन्विंस करने के लिए कि तुम वृंदावन फुल टाइम आ जाओ, और आइंद्र प्रभु ने उनको फुल टाइम कीर्तन मंडली में ज्वाइन कर लिया और उनकी पेयरिंग जो करी देविकी नंदन के साथ कर दी। और ये तो सब जो थे बैठते हारमोनियम में बजाते, वो देखते थे कि जो ये निताई प्रभु थे ये हारमोनियम बजाते हुए टोटली एब्जॉर्ब हो जाते, उनकी आंखें बंद हो जाती और उस समय उनको कुछ नहीं पता चलता कि सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और कई बार तो ये लेट नाइट शिफ्ट लिया, और एक बार ये अकेले थे तो आइंद्र प्रभु ने सुना कि कीर्तन हो रहा है, निताई की हल्की हल्की वॉइस आ रही है, हारमोनियम भी बज रहा है, मृदंग भी बज रहा है और करताल भी बज रहे हैं, लेकिन इस शिफ्ट में तो निताई अकेले हैं। तो भागे भागे गए तो उन्होंने देखा कि निताई तो एक वन मैन ऑर्केस्ट्रा थे, वो लेफ्ट हैंड से जो थे मृदंग बजा रहे थे और उसके स्ट्रैप से क्या हो रहा था, वो हारमोनियम्स के जो हवा भरने वाले होते बिलोज थे वो मूव कर रहे थे और उनकी जो एंकल्स में उनकी उन्होंने घुंघरू बांधे हुए थे पैर में, और वो धीरे धीरे पैर को टैप करते हुए करताल का साउंड आ रहा था, और एक जो फ्री हैंड था राइट हैंड उससे वो तंबूरा बजा रहे थे। तो दैट वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट कि उनका पैशन इतना था कि हरिनाम में भगवान के कीर्तन में जितना हो सके सर्विस एज एन ऑफरिंग, अपने आप को कंप्लीट ऑफरिंग वो लोग देने को तैयार थे। तो एक्चुअली गुरुकुल की बिल्डिंग का रूम नंबर 89 और 19 जो था वो 24 आवर कीर्तन आश्रम बन चुका था, और हर डिपार्टमेंट को अपने आप को सेल्फ सपोर्ट करना पड़ता था क्योंकि उस समय फंड्स नहीं थे और कीर्तन के लिए तो थे ही नहीं। तो आइंद्र प्रभु बहुत सारे तरीके निकाल रहे थे कि कीर्तन मेंबर पार्टी के मेंबर्स को कैसे यूजफुल बनाया जाए, और इसीलिए क्या करते थे वो उन मेंबर्स को, जैसे जब उनका कीर्तन का शिफ्ट ओवर हो जाता था तो वो उनको किसी न किसी जगह भेज देते थे कि जाओ तुम ऑल्टर में सर्विस कर लो, विग्रह सेवा कर लो, बिल्डिंग को इम्प्रूवमेंट और रिपेयर के लिए कर लो, या कुछ भी नहीं है तो बाथरूम जाके क्लीन करो। तो दिस वॉज ऑल सेल्फ सपोर्टिंग ये काम हो रहा था। तो आइंद्र प्रभु के जो गोल थे हर मेंबर के लिए कीर्तन के लिए कि वो सिर्फ एक ट्रेन म्यूजिशियन ना हो, वो एक हार्डकोर ब्रह्मचारी हो। वो कहते थे कि हम जो हैं हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं बिकॉज हम म्यूजिशियंस नहीं हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये युग धर्म है और हमें कभी भी इस चीज़ के लिए प्राउड नहीं होना चाहिए कि हम बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं।
हमसे अच्छे अच्छे म्यूजिशियन, हमसे अच्छे अच्छे धुरंधर जो हैं इस पूरे संसार में बैठे हैं और हम उनके सामने कुछ नहीं है। और उन धुरंधरों से ऊपर तो देखिए गंधर्व्स हैं हेवनली प्लैनेट में, और उनसे ऊपर फिर क्या है, लॉर्ड शिवा खुद हैं, वो तो द बेस्ट म्यूजिशियन है, और उनका तो छोड़ो तो गोपीज ऑफ द वृंदावन को तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। तो हम तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो गए। हम लोगों ने अच्छे से गाना सीखा है तो इसका बहुत अच्छी बात है। आइंद्रा प्रभु इतने बोल्ड थे कि उन्होंने एक एस्टैब्लिश इंडियन क्लासिकल सिंगर को कहा था कि आपने बहुत ही अच्छे से गाना सीखा है, लेकिन अब आपको सीखना है डिवोशन के साथ गाना, आपको सीखना है श्रद्धा के साथ गाना, उस प्रेम भाव के साथ जाना। सो अगर आपको आइंद्रा प्रभु की पार्टी ज्वाइन करनी थी उस समय, तो बेसिकली आपको करताल्स का नॉलेज तो आना चाहिए, चाहे आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बेसिक रिदम आनी चाहिए, ठीक है। और नाम संकीर्तन तो करना है, आधा घंटा या कैसे भी वहाँ पे नाम, और कई बार तो घंटों घंटों वहाँ पे बैठ के कीर्तन करना होता था, भजन होता था। सो सिर्फ ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं थी, बल्कि कम्प्लीटली अपने आप को उस जगह एब्जॉर्ब करने की बात थी। और जो बॉटम लाइन थी, प्योरिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती थी, क्योंकि जैसे कि श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई हरि नाम ले रहा है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ ले रहा है, और यदि वो रोज़ हेयरिंग और चैंटिंग कर रहा है, उसके उपरांत भी उसको एक्सटेसी नहीं आ रही, आँखों में पानी नहीं भर रहा, और जो हेयर्स हैं वो खड़े नहीं हो रहे, स्टैंड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है चैंटिंग सही नहीं है, ऑफेंस है। चाहे आप कितना भी अच्छे से गा लो, कितना भी अच्छे से कर लो, लेकिन जब तक वो भाव नहीं आ रहा भगवान के प्रति, तो सारा किया हुआ प्रोसेस जो है व्यर्थ है। इसका मतलब हम बहुत सारे ऑफेंस कर रहे हैं, तो क्यों हम ऑफेंडर रहना चाहेंगे, हम क्यों नहीं हरि नाम को अच्छे से करें और एक्चुअल अटैचमेंट रखें हरि नाम के साथ। हरि नाम जो है होली नेम ऑफ कृष्णा, जो है भगवान कृष्ण से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। और जब हम ऐसे रिएक्शनल एक्सटैटिक इमोशंस जो दिखने शुरू हो जाते हैं, तो ये हमारी एक अटैचमेंट को दर्शाता है, और ये अटैचमेंट वहीं पे स्टैंड स्टिल नहीं होती, ये नेचुरली फ्लो करती रहती है। और इतने एक्सटैटिक सिम्टम्स जो हैं और एक्सटैटिक सिम्टम्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो जनरली जब हम हरि नाम के प्रति इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, उसी से हमारा हृदय जो है, जो कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आयरन फ्रेम्ड है, वो सॉफ्टन होना शुरू हो जाता है। हृदय जो है बहुत कोमल होना शुरू हो जाता है, हार्ड नहीं रहता, पत्थर की तरह नहीं रहता। और जैसे जैसे हमारा हृदय और कोमल होता रहेगा, उतना ही हमारा अटैचमेंट भगवान कृष्ण से बढ़ेगा, और उतना ही स्ट्रॉन्ग विप्रलंबा भाव हम भगवान से फील करेंगे। विप्रलंबा मतलब फीलिंग ऑफ सेपरेशन, कि भगवान से हम क्यों इतना दूर हैं। और यही एंजाइटी जो होती है वो हमें कृष्ण से मिलने के लिए प्रोत्साहित करती है, और मोर हमारी अटैचमेंट को कृष्ण से बढ़ाती है। जब हम उनके नाम गाते हैं, जब हम नाम बोलते हैं, तो ये हमें भगवान कृष्ण के बारे में सोचने को मजबूर करता है, और हम उनकी पर्सनालिटी से और अटैच होते रहते हैं, क्योंकि नाम जो है वो भगवान से भिन्न नहीं है, नाम और भगवान एक ही है। और तब हम अपना रस जो है भगवान के साथ स्थापित कर सकते हैं, कि हम शांत रस में हैं, साख्य में हैं, दास्य में हैं, वात्सल्य में हैं, या माधुर्य में हैं, कौन से रस में हम हैं और कौन से रस में हम एस्पायर कर रहे हैं। और फिर हमारा रिलेशनशिप जो है ये हरि नाम के थ्रू ही भगवान के साथ जो होता है स्थापित होता है, और धीरे धीरे जो है हम कृष्ण के प्रति और अटैच होते रहेंगे, और यही हमारे ऑब्जेक्ट है प्लेजर का। और भगवान के कृष्ण के नाम को देखना, उनके नाम को बोलना और उनके नाम को सुनना, और कृष्ण के सारी चीज़ें जो हैं हमारे स्मरण में आनी शुरू हो जाएंगी, और यही अटैचमेंट की जो है सबसे प्राइमरी थिंग हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। और तब इतना डीप फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा आएगा, और फिर ऐसे एंटिसिपेटरी एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, कि हमें लगेगा कि नहीं, हमें भगवान का एसोसिएशन चाहिए, हमें भगवान ही चाहिए, और विदाउट हिम हम बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं करेंगे। और यही जो प्रोसेस है, यही हरिनाम की चैंटिंग हमें इस तरफ ले के जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे को अटैचमेंट, हमारा माइंड को अटैच होना चाहिए, हमारे हार्ट को अटैच होना चाहिए।
कई बार हमारा माइंड और हार्ट मटेरियल अटैचमेंट्स में घिरा रहता है, कभी सबटल कभी ग्रॉस, इन सारी चीज़ों से हम अटैच रहते हैं, इसलिए हम हरि नाम जो है ढंग से नहीं ले पाते, इसलिए हम अपराध करते हैं। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है अटैचमेंट का, वो अहेतु की भक्ति होनी चाहिए कि हमें वापस में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे हम बार बार क्यों ना जन्म ले लें, हमें मुक्ति भी नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि हमें मोक्ष मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हमारा विदाउट एनी मोटिव ये भक्ति होनी चाहिए, अहेतु की हमें भगवान का नाम जो है लेना है, और हमें कॉन्स्टेंट चैंटिंग करनी है, प्रॉपर कॉन्स्टेंट चैंटिंग करनी है, विदाउट किसी ऑफेंस के हमें ये चैंट करना चाहिए, और हमें टॉलरेंट होना चाहिए, और हमें लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और हमें रिस्पेक्ट जो है वापस मांगनी नहीं चाहिए, और यही जो है बेसिक है एक ऑफेंसलेस चैंटिंग के लिए। और हमें जो है क्या क्या मिलेगा, धन, जन्म और सुंदरम, ये सारी चीज़ें क्या पाकर हम क्या करेंगे, हमें तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए तो प्रेम चाहिए, भगवान कृष्ण का प्रेम चाहिए, अहेतु की भक्ति चाहिए, अहेतु की भक्ति भजन चाहिए, यही हमारी जो है भावना होनी चाहिए। जब हमारे में वह रुचि के स्तर पर हम आ जाएंगे, उस रुचि से हमारी भगवान के प्रति आसक्ति होएगी, और यही जो होता है जब ये आसक्ति आती है, यही बेसिस है भाव लाने के लिए, जब हम भगवान के प्रति भाव फील कर पाएंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब अनर्थों से हम बचेंगे, जब हम कोई भी अपराध किए बिना हरि नाम गाएंगे। अभी हमारी डिवोशनल सर्विस जो है उसको स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि हमें टेस्ट आए, हमको जो है एवर इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली होपलेसनेस और होपफुलनेस होनी चाहिए, कि मतलब हम इतने डेस्परेट होने चाहिए, क्यों नहीं भगवान मिल रहे, क्यों नहीं भगवान मिल रहे, और हमें भगवान की कृपा पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान हम पे डेफिनेटली कृपा करेंगे, क्योंकि कृष्ण की कृपा बहुत है। और हम होपलेस इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम कितने भी एफर्ट कर रहे हैं तो भगवान कितने विस्तार हैं, हम कैसे पा पाएंगे, और हमें होपफुल इसलिए होना चाहिए क्योंकि कृष्ण बहुत दयावान है। और अगर आप रो नहीं पाते कृष्ण का नाम चैंट करते हुए, तो आपको इसलिए रोना चाहिए कि आप कृष्ण का नाम लेके रो नहीं पा रहे, और आप वो भी नहीं कर पा रहे, तो आपको इसलिए रोना चाहिए क्योंकि आप रो नहीं पा रहे कि भगवान कृष्ण का नाम लेके रो नहीं पा रहे। और अगर आप फिर भी नहीं रो पा रहे, तो आपको इसलिए रोना चाहिए कि आप रो नहीं पा रहे, भगवान कृष्ण का नाम लेते समय आप रो नहीं पा रहे। तो जब तक वो टीयर्स नहीं आएंगे, जब तक हम रोएंगे नहीं, तब तक जो हमारा हृदय है जो कि बिल्कुल पत्थर के समान हार्ड कोर हो चुका है, वो मेल्ट नहीं होएगा। और जब ये टीयर्स आने शुरू होएंगे, जब आपका रोना शुरू होएगा, और दैट इज़ द एक्चुअल क्राइंग, तब आप समझना कि आप भगवान कृष्ण के प्रति रो रहे हैं, और वो भाव शुरू होने वाला है। शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस जो थे, आइंद्रा प्रभु बिल्कुल फॉलो करते थे, उनका 24 आवर कीर्तन पार्टी था, वो हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता था, और अखंड नाम विदाउट इंटरप्शन वो लेते थे। वो बहुत इम्फेटिक थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे कि भैया ये फॉलो करना है, और कई बार तो वो इतनी ज़ोर से चीखते थे कि जैसे अंदर से उनकी लंग्स फट जाएंगी, इतनी ज़ोर से चीखते थे। अहेतु की अप्रहिति का अखंड नाम, किसी भी चीज़ के पीछे, कीर्तन करने के पीछे कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए, अनब्रोकन होना चाहिए, ऐसे डिवोशनल सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। और हर व्यक्ति को अपनी शिफ्ट जो है पूर्ण तरह करनी है, उस शिफ्ट के बीच में कोई बाथरूम ब्रेक्स नहीं होएंगी, कोई पानी पीने का ब्रेक नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाना, आप बाथरूम पहले होके आइए, पानी की बोतल कैरी कीजिए, और यदि आपको प्रसादम की चिंता है तो किसी को कहिए कि वो आपके लिए प्रसाद इकट्ठा करके रख लेंगे। बीच में कोई बातचीत नहीं करनी, कोई गॉसिप नहीं करना, कोई फ़ोन के ऊपर बात नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ पे आप ठंडी ज़मीन पे बैठे हैं या कुछ भी है। यदि आपको ठंडी ज़मीन लग रही है तो आप कंबल लेके आइए या अपना स्लीपिंग बैग लेके आइए, लेकिन कीर्तन जो है इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, ये अखंड नाम होना चाहिए, 24 घंटे कीर्तन होना चाहिए। क्योंकि लोग जो हैं ऐसी जहाँ पे ऐसा कीर्तन होता है, तो लोग जब वहाँ पे उस जगह पे आते हैं जहाँ पे अखंड नाम लिया जाता है, वहाँ एक वाइब्रेशंस होती हैं, और जो लोग वहाँ पे आते हैं उनको फोर्सफुली ही भक्ति में होना चाहिए,
मतलब वहाँ की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उनको फोर्स कर देती है कि वो ना चाहते हुए भी भगवान का नाम लेते हैं, ना चाहते हुए भी वो भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। और ऐसी प्योरिफाइंग प्लेस जहाँ पे हरी नाम 24 घंटे नॉनस्टॉप चलता है, यही पावर ऐसी जगह पे होती है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे अखंड नाम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये पावर और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती जाती है। और जैसे ही कीर्तन ब्रेक होता है, जैसे ही अखंड नाम जैसे ही ब्रेक होता है, ये पावर ख़त्म हो जाती है। तो अखंड कीर्तन जो होता है लोगों को सरेंडर करने पे मजबूर करता है, शरणागति लेने में मजबूर करता है। तो हरि नाम का एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली होना चाहिए, अखंड नाम कीर्तन चलना चाहिए, सालों साल चलना चाहिए। और ये कंटिन्यूस जो नाम का मैनिफेस्टेशन होगा वो इतना पावरफुल होगा कि वो सारी मटीरियल कंटामिनेशन जो हमारे हृदय में है, सेंस ग्रैटिफिकेशन की इच्छाएं हैं, उनको क्योर कर देगा। हमारे जो सोल का ईगो है, मटीरियल ईगो है, उसको क्योर कर देगा और हम अपने ओरिजिनल ईगो में आएंगे, जो कि है मूड ऑफ द रेजिडेंट ऑफ वृंदावन। हम एक्चुअल में ब्रजवासी बन जाएंगे, अपने हृदय से ब्रजवासी बन जाएंगे। और ये कीर्तन जो है ये सीरियस यज्ञ है और इसको सबको पूर्ण हृदय के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, बॉडी माइंड हार्ट सब कुछ जो है इस यज्ञ में झोंकना है, ताकि लोग आएं और ये कीर्तन सुने। और ये अखंड नाम जो है हमेशा चलता रहना चाहिए। ये अखंड नाम यज्ञ जो है हम शिला प्रभुपाद के लिए कर रहे हैं। और ऐसे आंध्रा प्रभु बहुत स्ट्रांगली जो है प्रीच करते थे, और वो कहते थे जहाँ हरि नाम का महामंत्र चैंट होता है, जिस टेंपल रूम में विदाउट ब्रेक चलता रहता है, बहुत उसका पावरफुल इफेक्ट होता है। लेकिन कोई बुरा व्यक्ति वहाँ पे आता है आंध्रा प्रभु से, कोई रास्कल वहाँ पे आता है और वो एक रास्कल जो है केयरलेसली ब्रेक कर लेता है, अखंड नाम को डिस्ट्रॉय कर देता है कि जो सालों के साल चल रहा होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, तुम सबको बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है और बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट होना है कि ये अखंड नाम का कीर्तन जो है वो कभी भी ना छूटे। और ये आंध्रा प्रभु इंसिस्ट करते थे 24 घंटे कीर्तन डिपार्टमेंट जो गुरुकुल बिल्डिंग में था, टॉप फ्लोर्स के रूम थे जो कि बहुत गर्म हो जाते थे गर्मियों में, और वहाँ पे वो रूम गुरुकुल के 200 बच्चों के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आंध्रा प्रभु इंसिस्टेड कि वो वहीं पे रहें, क्योंकि वहाँ से वो कीर्तन सुन पाएंगे, वहाँ से जो पूरे कीर्तन के जो कीर्तनियाज हैं, जो 24 आवर कीर्तन के ग्रुप है, वहाँ से मंदिर के कीर्तन में जाने का एरिया बहुत कम है, तो वो जल्दी अपनी शिफ्ट में अप्रोच कर पाएंगे। कहीं दूर रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और क्योंकि ही वो स्पोर्ट्स थिंग की कीर्तन अनइंटरप्टेड होना चाहिए, कीर्तन थोड़ी देर के लिए रुकता था भागवतम क्लास में, लेकिन उस समय क्या होता था, लोग जहाँ पे तुलसी महारानी है वृंदावन में, वहाँ बैठ के अपने बीड्स के ऊपर हरिनाम चैंट करते रहते थे। इनिशियली जो कीर्तन वहाँ पे सॉफ्टली चलता रहता था, लेकिन फिर क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी तो उनको बीड्स पे करने को बोल दिया गया। इवन मंगला आरती से पहले भी सॉफ्ट मंगला आरती के ट्यून में जो होता था वो कीर्तन किया जाता था। और कीर्तन तब भी होता था जब विग्रह के दर्शन खुलने वाले होते थे, तब भी चैंटिंग होती थी। सुबह 4 बजे की शिफ्ट में भी चैंटिंग होती थी, सब जो थे हर जगह चैंटिंग होती थी। आंध्रा बहुत स्पेसिफिक थे कि मंगला आरती से पहले जो कीर्तन होना चाहिए बहुत स्वीट होना चाहिए। पहले तो आंध्रा प्रभु जो थे शिफ्ट लेते थे मिडनाइट से 4 बजे वाली शिफ्ट लेते थे, क्योंकि उनको अकेले में वो कीर्तन करना और साथ के साथ डिफरेंट ट्यून्स, डिफरेंट मेलोडीज जो है वो डेवलप करना उनको बहुत अच्छा लगता था, डिफरेंट बीट्स वगैरह बनाना उनको अच्छा लग रहा था। इवेंचुअली उन्होंने अर्ली इवनिंग वाला कीर्तन लिया जो कि गौर आरती से पहले होता था, और जब तक उन्होंने देह नहीं त्यागा तब तक उनका ये रेगुलर स्लॉट होता था। और जो चैलेंजेस वहाँ पर लोग फेस करते थे वहाँ पर ये था कि लोग अपने हिसाब से प्ले करने के लिए, अपनी इंस्ट्रूमेंट्स में प्ले करने के लिए बहुत आदी थे। जो ड्रमर्स थे वो सिर्फ मृदंग प्ले करते थे और कुछ फैंसी बीट्स बजाते थे। तो तब आंध्रा प्रभु आके समझाते थे कि जो तुम मृदंग पे प्ले कर रहे हो, इट इज़ एन एब्सोल्यूटली ज़ीरो। अगर आप भगवान कृष्ण का जो है
महामंत्र नहीं गाते, अगर आप मृदंग खेल रहे हो, प्ले कर रहे हो, और अगर आप महामंत्र नहीं गा रहे हो और आप सिर्फ फंकी बीट्स बनाने में कर रहे हो, तो दैट इज़ ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो के आगे जब तक भगवान के नाम का वन नहीं लगेगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। कई बार तो वो कीर्तन के बीच में चेस्टाइज करते थे, ऐसी देखते थे, घूरते थे जैसे कि अगले बंदे की वहीं पे मृत्यु हो जाए, इस प्रकार से वो घूरते थे। और कई बार तो कीर्तन के बीच में जो है चीख पड़ते थे, कितने भी लोग क्यों ना सुन रहे हों, कितने लोगों के बीच में क्यों ना हो, प्रभुपाद ने जैसा कहा है वैसे करना है। प्रभुपाद ने इंस्ट्रूमेंट को कहा है कि उसको कीर्तन को सपोर्ट करना है, ना कि उसको ओवरकम करना है। कई बार क्या होता था, डिवोटीज इतने एब्जॉर्ब हो जाते थे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में, कि इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में, कि वो चांट करना ही भूल जाते थे। मतलब इसका मतलब, आइंद्रा प्रभु कहते थे कि इसका मतलब है तुमने अच्छे से बजाना सीखा ही नहीं। अगर तुम बजा रहे होते तो तुम अच्छे से गा रहे होते, तो तुम इतनी इंट्रिकेट बीट्स मृदंग पे बजाओ ही नहीं। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें हरि नाम लेना है, हमें वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं देना। आपको सेम टाइम जो है कीर्तन लीडर को फॉलो करना है, हरि नाम की सेवा करनी है, और साथ में सुनना है और साथ में बोलना है, तभी आपका मृदंग प्ले करना और गाना, हरि नाम को बोलना, तभी सक्सेसफुल होगा। कई बार कीर्तन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता था, तब मृदंग प्लेयर को था कि तब वो ब्रेक ले सकते हैं, कि जब हैवी कीर्तन हो रहा है तो वो उनको जो बीट्स को जो है हैवी कीर्तन सिंगर के हिसाब से प्ले करना है। दैट वॉज द ओनली एक्सेप्शन, दैट वॉज द ओनली थिंग जब मृदंग प्लेयर जो है हरि नाम गाना बंद करेगा, अदरवाइज उसको हरि नाम साथ के साथ गाना है। और सेम थिंग जो था करताल प्लेयर्स के साथ भी थी, कि आपने जो गोंग गोंग करना है, वम्पर्स बजाने हैं, शेकर्स बजाने हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने हैं, पर आपको साथ के साथ चैंटिंग करनी है। और यदि कोई नहीं करता था तो आइंद्रा प्रभु का खून जो होता था खोल उठता था और वो बोल देते थे। तो कई कीर्तनियास ने कहा कि ये बहुत मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि हम सिर्फ मृदंग प्ले करते हुए आते थे, हमको माउथ का कोऑर्डिनेशन, हैंड का कोऑर्डिनेशन और हार्ट का, दिमाग का कोऑर्डिनेशन, वो कभी कुछ सोच रहा होता था। तो हम आइंद्रा प्रभु से जाके कहते थे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आइंद्रा प्रभु कहते थे कि तुम अपनी बेल्ट को टाइट कर लो, क्योंकि तुम्हें ऐसे कीर्तन करना ही पड़ेगा। और अगर कीर्तन जो है प्लेयर अगर हारमोनियम के बिना गा रहा है, या वो हारमोनियम गा रहा है और अगर उसका रिदम नहीं हो रहा, तो मृदंग प्लेयर को उसको फॉलो करना है, उसकी ट्यून को फॉलो करना है। आइडिया क्या है कि मृदंग प्लेयर को जो है सर्व करना है कीर्तन प्लेयर के मूड को एनहांस करने के लिए, और फिर करताल प्लेयर को मृदंग को फॉलो करना है। मृदंग प्लेयर को सेल्फ सेंटर नहीं होना कि एकदम जोर जोर से बजाए और कीर्तन का जो लीडर है उसको सरेंडर करना पड़े। सो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं आइंद्रा प्रभु ने बिल्कुल स्ट्रॉन्गली जो है लेड किए थे अपने 24 आवर्स कीर्तन पार्टी के लिए। और अगर करताल प्लेयर को मृदंग प्लेयर को फॉलो करना है, और मृदंग प्लेयर को जो है बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से नहीं बजाना, उसको कीर्तन लीडर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मृदंग प्लेयर ऐसा बजाए कि कीर्तन लीडर अपनी धुन छोड़ के उसको सरेंडर करे। तो हमें कॉपरेशन करना है, हमने एक दूसरे के साथ जो है मिलके इकट्ठे दिए संकीर्तन है, एक दूसरे का साथ देना है। अगर हम एक गुड फॉलोअर बनेंगे तभी हम एक गुड लीडर बन पाएंगे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो और हमें जो है भाव को पिक करना है, हमें अपनी लीडरशिप स्किल्स को इन्हांस करना है। कई बार डिफरेंट मूड्स होते हैं, हर व्यक्ति डिफरेंट है, तो हर व्यक्ति डिफरेंट और यूनिक एक्सप्रेशन जो है भगवान की सेवा में लगा सकता है। तो हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, किसी की आर्टिस्टिक फाइननेस को, सेल्फ एक्सप्रेशन को इनोवेशन करने, डिफरेंट स्टाइल्स करने, अप्रोच करने हैं। तो ये आइंद्रा प्रभु उस चीज़ पे बहुत फोर्स करते थे और कहते थे ये बहुत अच्छे से हमें करना है। एक बार एक व्यक्ति जो था बहुत अच्छे से मंगला आरती से पहले अच्छा कीर्तन करता था वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे डिवोटीज जो थे वो आइंद्रा प्रभु के पास गए और कहा कि देखो वो कैसा बजा रहा है, आपने जैसे रूल्स दिए थे वो वैसे नहीं फॉलो कर रहा। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा पर वो बहुत अच्छे से कर रहा है। तो उन्होंने कहा पर हाँ, तो आपने तो इतने सालों से हमें ऐसे बोला है ना। तो आइंद्रा प्रभु कहते जिसने आपको बहुत सालों से ऐसे बोला है करने को, वही व्यक्ति आपको कह रहा है कि वो अच्छे से बजा रहा है, तो उसको छोड़ दो, वो जैसे करना चाह रहा है उसको बॉदर मत करो, उसको करने दो। तो
आइंद्रा प्रभु जो है ना अंदर का भाव देखते थे कि कैसे सब सरेंडर हो रहे हैं, कैसे सब अपना द यूनिक स्टाइल जो है भगवान को ऑफर कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं। इवन दो कीर्तन लीडर इज अ लीडर, लेकिन ये परफॉर्मेंस सिर्फ अकेले कीर्तन लीडर की नहीं है, और ऐसा नहीं है, ये पूरा संकीर्तन है, ये पूरा कॉन्ग्रिगेशनल एफर्ट है चैंटिंग का। और ऐसा नहीं है कि भगवान के साथ सिर्फ आदान प्रदान सिर्फ कीर्तन लीडर का हो रहा है, सिर्फ कृष्ण ही उनको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभार क्या होता है, एक भगवान जो है सबको देखते हैं, सबके भाव को एक्सेप्ट करते हैं, और कई बार कीर्तन लीडर को भी देखना चाहिए कि कई बार कीर्तन लीडर के पास गुड प्रेजेंटेशन का आइडिया आता है, कई बार मृदंग प्लेयर को गुड आइडिया आता है, और कई बार करताल प्लेयर को गुड आइडिया आता है। तो इस सबको एक दूसरे के एफर्ट्स को मिलजुल कर करना चाहिए, एक नेचुरल रेसिप्रोकेशन होना चाहिए एक गुड कीर्तन परफॉर्मेंस में, कि मतलब एक ताल का मेल होना चाहिए एक मृदंग प्लेयर में, कीर्तन लीडर में और करताल प्लेयर में। इसको आइंद्रा प्रभु कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड जैमिंग। और जब हम अपनी इंस्पिरेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके एक साथ एकजुट होकर ऐसा कीर्तन करते हैं, तो हम एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, हमारी इंस्पिरेशन इंक्रीज होती है, हमारा एंथुजियाज्म और एप्रिसिएशन एक दूसरे के प्रति, हमारा कोऑपरेशन एक दूसरे के प्रति इतना इंक्रीज हो जाता है जैसे कि लॉर्ड चैतन्य की लीला में जो डिफरेंट डिवोटीज़ के बीच में भाव था वो प्रकाशित होता है, वैसा भाव हम भी पा सकते हैं। और अगर कोई, कई बार आइंद्र प्रभु बड़े डिसअपॉइंट हो जाते थे क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो उनके मूड को नहीं समझ पाते थे, बस उनका म्यूज़िकल प्रेफरेंस रहता था और उनको हरि नाम कीर्तन में अंकेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। कई बार वो कुछ और कर रहे होते थे, कभी कुछ कर रहे होते थे, कभी गलत तरीके से करताल बजा रहे थे, वॉम्प शेकर कुछ भी। तो एक बार ऐसा ही हुआ है, एक व्यक्ति जो था वहाँ पे बैठा हुआ था, तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि अगर तुम कीर्तन में बैठे हो तो तुम कुछ बजाओ, करताल बजाओ, गोंग बजाओ, वॉम्पर बजाओ, कुछ तो बजाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सबने सब चीज़ें ली हुई है, कोई भी स्पेयर है नहीं। तब आइंद्रा प्रभु ने कहा कि कम से कम ताली तो बजा लो, हाथ से तो कर लो। तो ये आप देखिए कि आइंद्रा प्रभु सबको एंगेज करते थे, वो सो पर्टिकुलर अपने गेस्टर्स से शाउट करके, स्टेयर करके, ग्लांस करके वो सबको इन्वॉल्व करते थे एज अ कंडक्टर टू द पूरा जो ऑर्केस्ट्रा था उनके म्यूजिक का, एज अ कंडक्टर की तरह वो पूरा इसको संभालते थे। और ऐसा ही हुआ, आइंद्रा के कीर्तन का जो इमीडिएट इफेक्ट आया पूरे टेंपल में, सब जो है बुरिजन प्रभु कहते हैं कि 1987 में उन्होंने वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जो था वो एस्टैब्लिश किया था, क्योंकि शिला प्रभुपाद का डिज़ायर था कि एक एजुकेशनल सेंटर जो होना चाहिए वो वृंदावन में होना चाहिए, जिसमें जो डीप सिस्टमैटिक शास्त्रिक स्टडी को एनकरेज करे। पर 80 के दशक में कृष्ण बलराम मंदिर कोई नहीं आता था, इवन वेस्टर्न डिवोटीज़ तो छोड़ो, इंडियन डिवोटीज़ तक नहीं आते थे। और कार्तिक के समय में कुछ डिवोटीज़ आ जाते थे, और दामोदर प्रेयर के समय तो 20 या 30 डिवोटीज़ होते थे, कम्प्लीटली एक डिफरेंट रहता था। और जब आइंद्रा प्रभु ने लीड लिया कीर्तन का तो एकदम ऐसे पिकअप हो गया, सब कहते थे, मतलब इतना वो फेमस हो गया कि दिल्ली तक लोगों को पता चल गया कि कुछ तो स्पेशल हो रहा है वहाँ पे, और कुछ तो स्पेशल हो रहा है, और सब कहते रहे कि जाओ ज़रा अंग्रेज़ों के मंदिर में जाके देखो, वहाँ पे एक व्यक्ति है, अंग्रेज़ शरीर में एक व्यक्ति है जो संध्या आरती के पहले कीर्तन करता है, वो राग में गाता है, वो इतने ज़्यादा कृष्ण बलराम के सामने इंडियन क्लासिकल राग में गाता है। और ऐसा जब लोगों को पता चला तो अंग्रेज़ों के मंदिर आने का भाव जो है लोगों का बढ़ना शुरू हो गया। तो आइंद्रा प्रभु में सिर्फ कीर्तन के बल पे पूरे इंडिया में वो फेमस हो गए, ऐसा उनका पावरफुल कीर्तन था जो लोगों को नचा देता था, चैंट करने पे मजबूर करता था, और इसका एक्सट्रीम इफेक्ट था। और यहाँ पे आइंद्रा प्रभु जैसे कि शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा बद्ध कर रहे थे लोगों को, और बिल्कुल टू द रूल, बिल्कुल ऐसे रूल बुक के हिसाब से फॉलो कर रहे थे, वैसे ही अब वो जो है राग थ्योरी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, इंडियन राग्स के बारे में। और
कहते थे कि ठीक है मैं जैसे गाता हूँ, आप लोग कहते हो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, लेकिन अगर कोई भी म्यूज़िकल पंडित आएगा और वो मुझे बताएगा तो वो मेरी सिंगिंग में भी बहुत दोष निकाल देगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो डिफरेंट नोट्स हैं एक राग के, वो जैसे एक पेंटर की प्लेट में बहुत सारे कलर्स होते हैं उस प्रकार से हैं, और जब हम उनको एक दूसरे से मिलाते हैं तो एक डिफरेंट राग उत्पन्न होता है, उसको रसा कहते हैं, रास रसा कहते हैं, जिसका मतलब होता है मेलो। हाँ, डिफरेंट वाइब्रेशन, कुछ वाइब्रेशंस डिफरेंट नोट्स की तरह, कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ वेस्टर्न बहुत नॉट वो कहते हैं कि वेस्टर्न म्यूज़िक में हमें इतना सब नहीं सीखने को मिला कि जितना मैं यहाँ पे इंडियन म्यूज़िक में सीख रहा हूँ। और ये उन्होंने सब खुद सीखा था, कैसे साउंड को मिक्स करना है, कैसे रस प्रोड्यूस करना है। आइंद्र प्रभु कहते हैं कि देखो जैसे एक डिफरेंट शेड्स हैं, ब्लू के बहुत डिफरेंट शेड्स हैं, कभी वो टच ऑफ पर्पल में आता है, कभी टच ऑफ रेड में आता है, ऐसे ही ग्रीन के कितने शेड्स हैं, कभी वो टच ऑफ येलो में आता है। तो ऐसे ही हमारे डिफरेंट व्यूअर्स हैं, हमारे मतलब हमारे पास डिफरेंट राग्स हैं, जिसको जिससे हम एक दूसरे को मिला के मिलियंस और मिलियंस राग बना सकते हैं। और हम तो बस बहुत कुछ प्रैक्टिस करते हैं, 40 के करीब प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन गोपियों ने तो 16,000 मास्टर कर चुके हैं। और वो कहते थे ये जो कीर्तन प्लेटफॉर्म है, ये भाव का प्लेटफॉर्म है, डिवोशनल स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस है। तो ये जो राग है ना, ये बियॉन्ड म्यूजिकल कंसिडरेशन है, ये राग हमें जो है उस तरफ लेके जाएगा। राग का मतलब ही होता है अट्रैक्शन, अफेक्शनेट अटैचमेंट। तो ये राग जो है, जब हम डिफरेंट वेराइटीज़ में और बेस्ट राग जो है, जैसे गोपियाँ एक दूसरे का फॉलो करती हैं, मिक्स करके उन्होंने 16,000 ऐसे राग बनाए रखे हैं जिसको उन्होंने मास्टर कर रखा है, वो कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि उनका प्रगाढ़ अटैचमेंट है। हमें भी ट्राई करना चाहिए इस राग से। और जब हम ऑडियंस के बारे में बात करते हैं तो ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ऑडियंस कौन है? ऑडियंस कृष्ण है, राधा और कृष्ण हमारे ऑडियंस है और कोई नहीं है। हमें कीर्तन इस वे में करना चाहिए कि कृष्ण हमसे अट्रैक्ट हो, हमारे एक्सप्रेशन, हमारा जो राग होना चाहिए, हमारा जो होता है वो हमारा एक एक्सप्रेशन ऑफ लव होना चाहिए उनके प्लेजर के लिए, कृष्ण के प्लेजर के लिए। और जैसे कृष्ण को हमारी पत्तियाँ नहीं चाहिए, फूल नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हमारी भक्ति चाहिए। और भक्ति एलिमेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यही प्रिंसिपल है अट्रैक्शन का। और संकीर्तन जो है ऑटोमेटिकली जो है कृष्ण को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये कृष्ण के प्लेजर के लिए किया जाता है। ये राग कीर्तन, ये सिर्फ एक म्यूजिकल कंसिडरेशन ऑफ राग के बियॉन्ड हमें जाना है। हमारा जो मेन इंटीग्रेंट है, जो मेन सीक्रेट रेसिपी का कोड है, वो है हमारा हृदय। तो हमें डेस्परेशन में गाना है कि कृष्ण हमारे लिए फेवरेबल हो, हमारे पे मर्सीफुल ग्लांस देखें, कृष्ण हमारी प्रति देखें। क्योंकि कोई भी आंसर को आप डिफरेंट एंगल ऑफ विजन से देख सकते हैं, कई लोग अप्रिशिएट करेंगे हमारे विजन को, कई नहीं करेंगे। तो हमको उनके हिसाब से नहीं करना, हमें तो उत्तम भक्ति करनी है, हमें सिर्फ उत्तम भक्ति के पथ पे जाना है। तो हमारा जो राग कीर्तन होना चाहिए वो एक ग्रीड होना चाहिए, हमें एक लॉलियम होना चाहिए कि हम जो है गोपी ऑफ वृंदावन के पद चिन्हों पर चलें, जो कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण के प्लेजर के लिए इतने वैरायटीज और कॉम्प्लेक्स म्यूजिकल राग्स पेश करती हैं। आइंद्र प्रभु कहते हैं टेस्ट इज़ अ मैटर ऑफ अट्रैक्शन एंड अफेक्शन। ठीक है, माधुर्य कंदम्बिनी को कोट करते हुए, जिसमें शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसे लिखा है कि पहले हमारा हल्का सा इस कीर्तन परफॉर्मेंस की तरफ अट्रैक्शन आता है, हम हमें टीटी वर्शिप में हल्का सा अटैचमेंट आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, सिंगिंग में आता है थोड़ा सा अटैचमेंट आता है कि देखो कैसे मृदंग प्लेइंग हो रहा है। पर वो सारे चीज़ जो होते हैं वो एक्सटर्नल के ऊपर बेस्ड होते हैं कि कोई हमें प्रोत्साहित करे, कोई कहे वाह वाह आपने बहुत अच्छा बचाया, मतलब उसके अवज में हम कुछ ना कुछ वापस मांग रहे होते हैं। तो ये एक लोअर फॉर्म है अटैचमेंट का। लेकिन जब हम रुचि के स्तर पे जाते हैं, जब हमें अंदर से हम भगवान के नाम को टेस्ट करना शुरू करते हैं, हम हरि नाम को रिलिश करना शुरू करते हैं, ये जो होता है ये हायर स्टेज ऑफ रुचि है। और जब हम हरि नाम में जो है, नाम भजन में, रिगार्डलेस ऑफ कि हमारा म्यूजिकल
यू नो एजुकेशन कितना है, कि हम टोन डेफ हैं या हम गुड सिंगर भी नहीं है, हमारे म्यूजिकल स्किल्स इतने अच्छे भी नहीं है, लेकिन हम शुद्ध नाम गाते हैं, हमारा इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है हरि नाम लेने के लिए, ये उत्तम स्तर है रुचि का। हमें हरि नाम को रिलिश करना है, हमें कुछ भी एक्सटर्नल्स के ऊपर नहीं जाना, हमें किसी भी चीज़ की उससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा उस पर नहीं जाना, ये हायर रुचि है रादर देन वो रुचि जो एक्सटर्नल्स पे डिपेंडेंट होती है, कि देखो मैं कितना अच्छा मृदंग प्लेयर हूँ, देखो मेरे को कितने प्रेजेस मिलते हैं, देखो मैं तो ये मृदंग बजा सकता हूँ, मैं तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ। तो ये जो रुचि है ये एक्सटर्नल्स पे डिपेंडेंट है, तो ये लोअर स्टेज है। हमें जो है रूट को वाटर करना है, लीव्स और ब्रांचेस तो ऑटोमेटिकली आएंगी, तो जब हम कृष्ण को हरी नाम से अट्रैक्ट कर लेते हैं तो बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप ही हो जाएंगी ना। जिस प्रकार हम पेड़ की जड़ को ही पानी देते हैं तो अपने आप पत्तियाँ भी आ जाती हैं और ब्रांचेस भी बन जाती है, फूल भी आ जाते हैं और फ्रूट्स भी आ जाते हैं। हमें एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर ध्यान ही नहीं देना, जो एक्सटर्नल है वो ज़ीरोज़ हैं, वो तब तक सारे ज़ीरो हैं, लेकिन जब इतने सारे ज़ीरो के आगे एक शुद्ध नाम का वन लग जाएगा तो फिर तो चाहे कितने भी ज़ीरोज़ हो, फिर तो आप कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स अपने कितने भी ज़्यादा म्यूज़िकल स्किल्स हैं उसको आप यूज़ करें कृष्ण को सर्व करने पर एक्सटर्नल्स पे ना डिपेंड होके आप शुद्ध नाम ले रहे हो, आप हरि नाम के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसको रिलिश कर रहे हो, आप कृष्ण को अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप कितने भी स्किल्स क्यों ना यूज़ करो। तो वो सारे ज़ीरोज़ के आगे जब एक हरि नाम का शुद्ध नाम का वन लगेगा वही सबसे बड़ा सक्सेस है। प्योरिटी जो है वो फोर्स है, हमें शुद्ध नाम चैंट करना है, और जब तक शुद्ध नाम नहीं है तो हम कुछ भी कर लें कुछ भी इफ़ेक्टिव नहीं है, हम चाहे कितने भी फोर्सफुल क्यों ना हो जाए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यही प्रिंसिपल को वो अपने न्यूयॉर्क के डेज से फॉलो कर रहे थे, कि ट्रेडिशनल स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल मेलोडीज़ गाएंगे, और उनकी वोकैबुलरी ऑफ राग जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बहुत सारे साल उन्होंने ये ना खुद सीखा था, वो ट्यून्स को डिस्कवर करते थे, कंपोज करते थे, कभी दो ट्यून्स को यू नो कंबाइन कर देते थे, कभी वो किसी ट्यून के साथ कोई भाव रिलिश करते थे, कुछ महीने और कुछ साल के महीने वो चीज़ प्रैक्टिस करते थे, और जब वो उनको वो कम्प्लीटली वो यूटिलाइज कर लेते थे भगवान की सेवा में, फिर वो नया ढूंढते थे कि अब मैं भगवान को क्या ऑफ़र करूँ, क्या बेस्ट लेके आऊँ। तो उनकी जो वोकैबुलरी थी वो भाव के स्तर पे बढ़ती जा रही थी, और जब आइंद्रा प्रभु महामंत्र गाते थे वो कम से कम इतने सालों में उन्होंने 100 मेलोडीज़ में महामंत्र को गाना सीख लिया था। कई बार वो क्या करते थे वृंदावन में कोंकण बाबा के कीर्तन्स को वो सुनने जाते थे, उनको रिकॉर्ड करते थे, और कोंकण बाबा कहते थे हाँ वो आते थे मेरे कीर्तन को रिकॉर्ड करके जाते थे, उनमें से मेलोडीज़ लेते थे, और कई बार जब करते समय भी उनको कोई मेलोडी याद आ जाती थी तो उनको पता था कि अगर अभी मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो ये छूट जाएगी, तो वो जब रोक के पहले हारमोनियम पे वो मेलोडी बजाते थे और साथ के साथ उसको रिकॉर्ड कर लेते थे, क्योंकि जिस क्विकली वो जो मेलोडी आती थी वो एकदम से चली भी जाती थी। तो ये उनकी जो रिकॉर्डिंग्स थी ये जपा ट्यून्स की थी, और कई बार वो मेलोडीज़ जो होते थे कहीं से सुन लिया, कहीं कहीं जा रहे हैं बस में जा रहे हैं तो कुछ सुन लिया, कभी बॉलीवुड की ट्यून्स से सुन लिया, कभी कहीं म्यूजिशियन के वहाँ कीर्तन हो रहा है वहाँ पे कर लिया, कभी मुस्लिम जो है जो डिवोशनल सॉन्ग्स लिख रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए उसमें से वो ले लिया, इवन इंडिया के नेशनल रिपब्लिक डे के एंथम से उन्होंने मेलोडी निकाली जो कि उन्होंने भगवान को रिपब्लिक डे पे ऑफ़र करी, और क्रिसमस पे तो वो जिंगल बेल वाली मेलोडी जो है भगवान के ऑफ़र करते थे। प्रभुपाद कहते थे इट्स ओके, आपकी चैंटिंग सिंसेयर होनी चाहिए, चाहे आप कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ले आओ, आप कितनी भी मेलोडीज़ ले आओ, इवन फिल्म ट्यून्स की भी ले आओ, लेकिन आपकी जो चैंटिंग होनी चाहिए वो जो होती है वो प्योर होनी चाहिए, शुद्ध नाम होना चाहिए। और वैसे भी इन्होंने जो फिल्म वालों ने जो ट्यून्स होती हैं वो भगवान कृष्ण के राग से ही तो चुराई हैं, ये सब जो है भगवान कृष्ण को बिलोंग करती है। सो आइंद्र प्रभु कहते थे तो मैं तो उन्होंने भगवान कृष्ण से चुराई हैं ये मेलोडीज, और मैं उनसे चुरा के वापस कृष्ण की सेवा में उनको नाम संकीर्तन में यूज़ करता था, मैं तो सिर्फ गोपियों का फुटस्टेप फॉलो कर रहा हूँ कि जैसे वो डिफरेंट राग्स को मिक्स करके एक न्यू राग बनाती हैं,
ताकि वो भगवान की सर्विस में यूज़ कर सके। मैं भी वही करता हूँ, मैं डिफरेंट ट्यून्स को मिक्स करके एक वैरायटी बनाता हूँ कृष्ण के प्लेजर के लिए। हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं? हम जैसे हम सिर्फ खिचड़ी नहीं ऑफ़र करते ना कृष्ण को, रोज़ रोज़ खिचड़ी खाएंगे तो कृष्ण वोंट बी सैटिस्फाइड ना। तो सनातन, वैसे तो कृष्ण सैटिस्फाई हो जाते हैं, वो तो सनातन गोस्वामी द्वारा बनाई गई वीट बॉल से भी बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड थे जिसमें नमक नहीं डाला जाता था। पर लेकिन गोपीज तो उनको बेस्ट ऑफर करती है ना, गोपीज तो उनको खिचड़ी नहीं ऑफ़र करती ना, हमें तो उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। राधा रानी तो मिल्क प्रिपरेशन भी कभी दो बार नहीं बनाती, वो भगवान के लिए नई नई चीज़ें बनाती रहती हैं और ताकि वो उनको अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि वो उनको अंदर से हृदय से प्रेम करती है। हमें भी वैसे बनना है, हमें कब बार समोसा, पकौड़ा, चटनी, यू नो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सब्जी, बिटर सब्जी, सार सब्जी, साल्टी सब्जी, स्वीट राइस, खीर मलाई, खीर मोहन, गुलाब जामुन, स्वीट बॉल, लड्डू, कितनी सारी वैरायटीज़ हैं हम भगवान को सर्व करते हैं छप्पन भोग में। उसी प्रकार को हमें अपने म्यूज़िक, अपने रागस को कंबाइन करके बेस्ट जो है भगवान की सर्विस में, हरि नाम की सर्विस में लगाना चाहिए। जिस प्रकार हम डीटीज को हर बार डेकोरेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों में, इनफैक्ट दिन में दो बार भगवान के कपड़े बदले जाते हैं, कह सकते हैं ना भगवान तो आत्मा राम है, उनको तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम उनके कपड़े चेंज करते हैं और हम उनको डिफरेंट फ्लावर्स के साथ सजाते हैं ताकि वो हर बार फ्रेश लगे और हमारा उनके प्रति अटैचमेंट जो है बढ़ता रहे। हम हर बार हम उनको एक ही रेड ड्रेस नहीं बना रहे होते, कई बार हम उनको ब्लू ड्रेस बना रहे होते हैं, कभी येलो ड्रेस बना रहे होते हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस में, पिंक ड्रेस में उनकी ब्यूटी जो है हर बार अलग वे में निखर के आती है। तो हमें सिंपल ऑर्नमेंटेशन क्यों करना, हमें सिंपल क्यों रहना कि जब हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हैं, उनको ऑफ़र कर सकते हैं ताकि हम उनकी ब्यूटी और स्वीटनेस को और बढ़ा सकें और एनहांस कर सकें। तो आंध्रा प्रभु की जो नॉलेज थी वो वैरायटी ऑफ राग्स में थी और सालों की प्रैक्टिस के बाद वो बहुत ज़्यादा डीप होती जा रही थी, और इसके बावजूद ही नेवर फॉरगेट कि शिला प्रभुपाद की जो इंट्रोडक्शन मेलोडी थी हरे कृष्ण महामंत्र की, जो उन्होंने बैठ के टॉम्सकिन स्क्वायर में बैठ के गाई थी, वो आंध्रा प्रभु की फेवरेट थी। और वो हमेशा आंध्रा प्रभु ने जब डीसी टेंपल ज्वाइन किया था वो एक्सक्लूसिव वो बजाते थे, उन्होंने उसी से शुरू किया था। और जब 24 घंटे का कीर्तन भी शेयर होता था तो वो कहते थे कि मेरी जो बेस्ट मेलोडी है वो शिला प्रभुपाद की मेलोडी है, चाहे उसको आधा घंटे के लिए गाओ चाहे एक घंटे के लिए गाओ, पर वो उसको ज़रूर गाना है। और बहुत सारे राग जो थे, कई राग वो अर्ली मॉर्निंग के हिसाब से थे, उन्होंने डिवाइड कर रखे थे कि ये मॉर्निंग के हिसाब से राग है, ये इवनिंग के हिसाब से राग है, उन्होंने डिवाइड कर रखे थे। लेकिन कई जो राग थे वो कहते हैं कि गोविंद लीला अमृत में ऐसा लिखा हुआ है कि जब रासलीला हो रही थी वो तो मिडल ऑफ द नाइट हो रही थी और उस समय तो टाइम का कोई कंस्ट्रेन नहीं था कि क्या था, लेकिन तब भी गोपीज़ ने इतने सारे राग उस समय गाए तो चलेगा। वैसे उन्होंने डिवाइड कर रह सके थे पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं देते थे कि आप गा सकते हो, क्योंकि जब अष्टकालीय लीला होती है, एट फोल्ड पाइप टाइम्स होते हैं, तो तब डिफरेंट राग्स होते हैं, लेकिन हर राग जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है, वो उनके डिफरेंट डिफरेंट कृष्ण के पास टाइम्स को दिखाने के लिए है। सो उन्होंने श्यामानंद दास जो एक क्लासिकली ट्रेंड इंडियन म्यूजिशियन थे, उनको राग भीम पलश्री गाते हुए प्रैक्टिस करते हुए सुना एक दिन और उन्होंने उनको कहा, आप इतना अच्छा गा रहे हो, आप इतना एक्सपर्टली गा रहे हो, तो उन्होंने कहा ये मेरा फेवरेट राग है। और लेटर मायापुर में जब उन्होंने लोकनाथ स्वामी महाराज को गाते हुए सुना कि जो कि वो वेस्टर्न बीट्स में गा रहे थे, तो उन्होंने उन्होंने यही अपने सॉरी उन्होंने जब श्यामानंद दास को क्लासिकल इंडियन ट्रेंड म्यूजिशियन को एक राग में सुना तो वो उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे, वो कहते थे ये मेरा फेवरेट राग है, राग भीष्म फलाश्री। और मायापुर में जो लोकनाथ स्वामी महाराज थे जो कि
बहुत ही अच्छा इंडियन राग मेलेडी में गा रहे थे पंचतत्व के सामने, और पूरा कीर्तन हॉल जो है ना एकदम झूम पड़ा था, एकदम ऊपर चला गया था, इतना हाई टेम्पो हो गया था। तब उन्होंने अपने गुरु भाई की, जो कि वेस्टर्न मेलेडीज में हरिनाम गाते थे, उनको कहा कि देखा राग का पावर, देखा कितना सॉलिड है ये चीज़। तो वो यही कहते थे कि हमें जो है ना प्रोग्रेसिव कीर्तन करना, बंगाली स्टाइल डाउन होम ब्रजवासी टाइप कीर्तन करना है, हमें बिल्कुल वैसे ही जाना है जैसे उनको पसंद था। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे नॉर्थ इंडियन क्लासिकल स्टाइल, जिसको ख्याल कहते थे, ख्याल का मतलब होता है फैंटेसी, और वो उस चीज़ को यूज़ करते थे। वो कहते थे मेरे को ख्याल स्टाइल में गाना बहुत अच्छा लगता है, और वो उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करते थे। और ध्रुपद स्टाइल में उनको अच्छा लगता था, मोर रिजिड, एक रूल की तरह था, ख्याल की तरह गाना। और इसी प्रकार से वो अपने एक्स्ट्रा राग के नोट्स बनाते थे इस पर्पज़ के लिए, कि वो एक न्यू भाव को जनरेट कर सकें। गोपीज जिस प्रकार से मिक्स करती थी राग, बेसिकली आइंद्रा वॉज लाइक रागात्मिका भक्ता, भक्ता की उनको जो गोपीज कर रही हैं उनके पद चिन्हों पर चलना है। ही सेड कि महारास लीला, जो दो तरह की लीला हुई थी, महारास लीला और शरद पूर्णिमा की रास लीला। तो जब कीर्तन में डिफरेंट प्रकार के लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, डिफरेंट लाइंस आते हैं, स्ट्रेंजर्स आते हैं, तो ये एक महारास लीला है जिसमें सब जो है सब ने पार्टिसिपेट किया था, और कृष्ण जो है बीच में डांस कर रहे थे, और वो सॉन्ग डिफरेंट काइंड्स ऑफ गोपीज के साथ गा रहे थे। तो ये जो कीर्तन होता है जिसमें गेस्ट आते हैं, वो एक महारास लीला की तरह है। और जब कीर्तन बहुत इंटीमेट गैदरिंग में होता है जिसमें लाइक माइंडेड डिवोटीज होते हैं, तो वो शरद पूर्णिमा के रास लीला है जिसमें कृष्ण जो है एक्सक्लूसिवली राधा रानी और उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ डांस कर रहे थे। और कई लोगों को अपने आप को गाते हुए सुनना अच्छा लगता है, पर लेकिन हमें जो है कृष्ण के लिए गाना है, हमें ऐसे गाना है कि कृष्ण सुने, क्योंकि गोपी का फोकस जो था वो सिर्फ कृष्ण के प्लेजर के लिए था। और हम देख पा रहे थे कि आंध्रा प्रभु का जो कीर्तन है वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा था, वो इवॉल्व हो रहा था, वो सिर्फ स्मॉल स्मॉल ट्यून्स तक कन्फाइन नहीं हो गया था, वो एक डिफरेंट वंडरफुल मेलोडीज आ रही थी सामने, ऐसे बहुत लोगों का कहना है जिन्होंने उनको साक्षात सुना है। और न्यूयॉर्क में भी जैसे जब वो थे, कई लोग आइंद्रा प्रभु के म्यूज़िक को नहीं अप्रिशिएट करते थे क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ था, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनके गुरु भाई, बहुत गुरु भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए उनके कीर्तन के साथ, और वो उनके साथ बैठना शुरू किया। सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने इतना राग्स का डेफिनेशन लिया, कृष्ण के प्लेजर के लिए ये करना चाहिए, रागात्मिका भक्त कौन होते हैं, हमें गोपियों के पद चिन्हों पर कैसे चलना चाहिए, कैसे हमें वैसे कृष्ण को सबसे बेस्ट ऑफर करना चाहिए। आइंद्रा प्रभु अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं, और वो अपनी कीर्तन पार्टी में स्ट्रिक्ट रूल्स डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं जैसा शिला प्रभुपाद चाहते हैं। आगे आइंद्रा प्रभु के साथ क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आइंद्रा प्रभु का तो कंप्लीट टोटल फोकस यही था कि कृष्ण की प्रसन्नता, और बहुत लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे। तो आइंद्रा प्रभु इसमें और क्या क्या फेस करेंगे वो हम जानेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन।